दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। 9 दिवसीय पिपलेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कल भव्य कलश यात्रा के साथ होगा आरंभ। तैयारियां पूर्ण, धर्म पताका एवं विद्युत रोशनी से जगमगाया गांव सरदारपुर तहसील में पूर्ण आहुति पर नगर 84 के आयोजन को लेकर रुणवाल परिवार ने सभी धर्म एवं समाज जनों की बैठक का आयोजन। पिपलेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, अतिरुद्र महायज्ञ एवं रुद्राक्ष महोत्सव का भव्य आयोजन बुधवार से प्रारंभ होगा। आयोजन विराट एवं भव्य है। पिछले एक माह से आयोजन समिति एवं ग्रामीण जनता द्वारा रात दिन तैयारियां कर सारी तैयारियों को मूर्त रूप दिया गया। ग्राम के गांव में प्रवेश के दौरान मुख्य मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार लगाए गए। वहीं पंचायत परिसर से आधा किलोमीटर की परिधि में मुख्य मार्गों पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई। यज्ञशाला को फूलों से श्रृंगारित किया गया। वहीं मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई। 9 दिवसीय आयोजन के दौरान प्रतिदिन रात्रि में भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। इसके लिए पंचायत परिसर में विशाल पंडाल लगाने के साथ मंच भी बनाया गया है। वहीं धर्म पताका से पूरे गांव को सजाया गया है। आयोजन भव्य हो इसके लिए ग्रामीण जनता अपना सहयोग दे रही है। साथ ही प्रतिदिन शाम को पूरे ग्राम की नगर 84 का आयोजन भी होगा, जिसके अलग अलग लाभार्थी हैं। वहीं समापन अवसर पर भोजन प्रसादी का लाभ रुणावल परिवार के शांतिलाल रामकिशन सोनी व अरुण कुमार रमेश चंद सोनी परिवार ने लिया है। इसके लिए अरुण सोनी के निवास पर मंगलवार को ग्राम के प्रमुख धर्म एवं समाजजनों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अरुण कुमार सोनी ने सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि भगवान के आशीर्वाद से इतने बड़े कार्य को करने का सौभाग्य मिला है, जो कि आप लोगों के बिना सहयोग के संभव नहीं है। सभी समाजजनों ने सोनी परिवार के नगर 84 के आयोजन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देकर अपनी अमूल्य सुझावों से भी उन्हें अवगत कराया है।